SSV Hoek, and though he did not play much, but you know, he was a part of a Dutch club back then, and all those parts, you know, in tidbits, it was not really out in the open. So are those things a part of the film, or maybe, you know, there are glimpses which probably warms up the audience that, okay, you know, it is a myth, this, he has a legacy in his playing your key days as well. इतना बड़ा क्वेश्चन था, इतना लंबा क्वेश्चन था, तो आंसर तो इसका एक वर्ड में ही होना चाहिए. No, we have not shown him his legacy that he used to play and all that. We have not even spoken about that. But we have been clear that, you know, he was the super coach what we had at that time, and we have only spoken about that. Amit ji, मेरा भी सवाल इसी से related है. मैं दो फिल्मों का जिक्र करना चाहूँगी. एक फिल्म थी जो आज़ादी के पहले सूरी सेन जी ने लड़ी थी, उस पर आधारित थी फिल्म खेले हम जी जान से. वो आज़ादी पाने की जद्दोजहद थी. दूसरी फिल्म अगर हम लें तो वो थी चक दे इंडिया, जो देश को फिर से उठाने की कोशिश थी. लेकिन ये जो आपकी फिल्म है उसमें जो रहीम जी का कैरेक्टर है, वो 10 साल की जो मेहनत है अपने, जैसा कि आपके ट्रेलर में भी कहा है कि ये इंडिया को पहचान दिलाने की जद्दोजहद भी थी, लेकिन तीनों में एक ही चीज़ कॉमन था कि उन लोगों ने बहुत कमज़ोर टीम को लाकर विश्व के मंच पे खड़ा किया. तो जो आपकी देशभक्ति है, आपकी फिल्म की में जो देशभक्ति है, वो इन दोनों फिल्मों से कितनी अलग है? देखिए, जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं और हम एक आर्मी की बात करते हैं ना, जब जो फ्रंट पे लड़ रहे होते हैं, हम जिनकी वजह से सेफ बैठे हुए हैं, जब मैच हो रहा होता है तब ग्राउंड के ऊपर जो प्लेयर्स भाग रहे हैं, वो लड़ रहे हैं अपनी अपने देश की इज्जत को बरकरार रखने के लिए. और मैदान भी वो उसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है, इंडिया, यू नो, यूनिटी, इंडिया साथ में, वो यही बोल रहे हैं. तो ना, आज मैदान में उतरना 11 लेकिन दिखना एक, दैट इज़ वॉट हिज एक्चुअली मोटो वॉज, दैट यू नो दैट हम लोग एकदम नए, वी वर ब्रांड न्यू, लाइक वी वर किड्स, वी वर लाइक आर कंट्री वॉज 5 ईयर ओल्ड 1952 जब उन्होंने ये टीम बनानी शुरू करी. और बनाते 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 में 1962 तक वो टीम पूरी तैयार हुई, जो जिसका फल हम लोग को मिला कि हम लोगों ने एशियन गेम्स जीते हम लोग. सो दैट होल थिंग ऑफ इंडिया एंड इट्स अबाउट द इमोशन व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इन दिस फिल्म, हिज इमोशन टुवर्ड्स द कंट्री. उनका इमोशन कंट्री की तरफ क्या था, दैट अगर हम फुटबॉल में अच्छे होंगे, फुटबॉल एक ऐसी गेम है जो दुनिया भर में खेला जाता है, और अभी हम तो एकदम बच्चे हैं, लाइक यू नो वी आर जस्ट 5 ईयर ओल्ड कंट्री. तो वी वर ब्रिटिश इंडिया बिफोर दैट. तो हमारा नाम हर उस कंट्री में जाना जाएगा जिसमें वो स्पोर्ट्स खेला जाता है, फुटबॉल. दैट वॉज हिज थिंग. हेलो अजय सर. हाय. ओके, अजय सर ओवर हियर ऑन योर राइट, सर ऑन योर लेफ्ट. सॉरी अजय सर, आप ऑलवेज बीन इन अ वेरी डिफरेंट रोल. जब भी आप रोल निभाते हो पूरी तरह से 100% उसको देते हो. सर मुझे ये जानना था आपने इस रोल के लिए व्हाट ऑल प्रिपरेशन यू डिड. आई थिंक आई आंसर दैट क्वेश्चन. बट जब मैं कोई भी फिल्म या कोई भी कैरेक्टर करता हूँ तो आई स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट कैरेक्टर. बट बियॉन्ड दैट मेरे पास नरेशन से लेके प्रिपरेशन तक अमित ने इतनी तैयारी की हुई थी. आई हैड टू जस्ट लिसन टू हिम एंड जस्ट फॉलो इट. गजराज जी, आपके अनुसार वो ऐसे कौन कौन से प्रोड्यूसर हैं जो बड़े दिल के नहीं हैं? आपने अभी बताया. देखो, कोविड के बाद बड़ी मुश्किल से काम मिलना शुरू हुआ है, तो वो फोन आने बंद क्यों करवाना चाहते हो? क्या दुश्मनी है आपकी? ये बताया कि हाँ, वो बताया, लेकिन नाम क्यों बताऊं? वो तो बना के रखनी पड़ेगी ना. अजय देवगन जी भी प्रोड्यूसर हैं. आप एक जवाब दीजिए कि आप में से कौन कौन अच्छे जर्नलिस्ट नहीं है. उन्होंने बताया था, इसलिए मैंने. नहीं, देवगन साहब के साथ भी मैंने काम किया, एक गेस्ट अपीयरेंस किया था भोला में, तो वहां पे भी मेरा तजुर्बा बहुत अच्छा रहा था. अजय जी, सो आप मानते हैं कि ये फिल्म आने के बाद जितना क्रेज लोगों के अंदर क्रिकेट को लेकर है, उतना ही क्रेज फुटबॉल को लेकर भी? यार, वो तो फिल्म रिलीज़ होने के बाद ही पता चलेगा कि ऑडियंस का रिस्पांस क्या होता है. जो एक्साइटमेंट फिल्म देख के होती है और जो फीलिंग आती है फुटबॉल के लिए,
आई थिंक उसमें बहुत बड़ा फर्क तो पड़ेगा लोगों को ये फिल्म देख के. अब फाइनल रिएक्शन ऑडियंस का क्या होता है ये तो आप मुझे फ्राइडे को 3 बजे के बाद ही बताएंगे. हेलो हेलो हियर योर लेफ्ट हैंड साइड शिल्पा हियर फ्रॉम मायापुरी मैगजीन. अजय जी मेरा सवाल आपसे है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट. काफ़ी अमेजिंग है ट्रेलर. भारत का जो सुनहरा इतिहास रचा गया उसका जिक्र हुआ है, पूरी कहानी जो है बताई गई है. वेल अजय जी मेरा सवाल ये है कि जब ये स्क्रिप्ट आपके पास आई, जब ये ऐसा किरदार आपने सुना, तो वॉज इट इमीजिएटली यस फ्रॉम योर साइड फॉर दिस प्रोजेक्ट या फिर किस तरह से? जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा कोई कैरेक्टर हिस्ट्री में था और फुटबॉल इस पीक पे हिंदुस्तान में पहुंचा था. तो व्हेन आई हर्ड अबाउट इट एंड जो जिस डिटेल में कहानी मैंने सुनी, आई वाज वेरी एक्साइटेड एंड आई डिसाइडेड टू इट. और मेरा सबसे बड़ा इंटेंशन था कि ये अगर मुझे भी नहीं पता था तो काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, तो आई थिंक ये बात हर हिंदुस्तानी तक पहुँचनी चाहिए. और ये आइडिया लेवल पे सिर्फ 15 मिनट में ओके कर दिया. हम लखनऊ गए थे अजय को मिलने के लिए, इट टुक हिम जस्ट 10-15 मिनट ही स्टार्टेड डूइंग द फिल्म. ये फिर उसके बाद हमने पूरी जो स्क्रिप्ट भी पूरी नरेट की, तो दैट सील्ड द मैटर. बट इनिशियली ही वाज पॉजिटिव राइट फ्रॉम द टाइम ही हर्ड द आइडिया एंड विद इन 15 मिनट्स ही आस्क्ड अस टू गो अहेड एंड कंप्लीट द स्क्रिप्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन योर हाय उपाला. या हाय दिस इज उपाला फ्रॉम मिडडे. माय क्वेश्चन इज फॉर मिस्टर आकाश चावला, मिस्टर जॉयसन गुप्ता. योर प्रोडक्शन हाउस फ्रेशलाइन फिल्म्स हैज दिस रेप्यूटेशन ऑफ यू नो प्रोड्यूसिंग कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स व्हिच इंक्लूड्स मैदान टुडे. Now, Anandi Gopal, your Marathi movie won a lot of national awards and it inspired, you know, the president of the Symbiosis to also make a medical college, women's medical college. Can we expect something similar inspired from Maidan, including sweeping the national awards, which also Anandi Gopal did, because the trailer looks fantastic. Thank you, Upala, for talking about it. So I'm not going to comment on the national awards. I'm not going to comment on anything right now. Like Ajay sir said, we'll know the audience response after 3 p.m. on the Friday. We just feel the fact that, you know, at times you just need one hero. You know, you just need one hero which people can follow. And suddenly things change. Like Boni ji mentioned about the 83 World Cup, which catapulted the cricket generation to a completely new level, the cricket craze to a new level. And in this film, we are talking about many heroes. We are talking about those Indian heroes that people don't know about or partly know about. Mr. Rahim, Mr. P.K. Banerjee, Thangaraj, I mean all these, Mr. Balram, how many people actually know the fact that Mr. Tulsidas Balram was actually called the Pele of Asia? And these are all things which are true. It's just the fact that they have not come forward. So we are just hoping as a team that we inspire a whole new generation that can take the sport of football in India to a completely new level. If we are able to do that, if people are able to recognize and realize what Rahim Saab was, who he was, and want to probably take it, you know, towards his dream that was to take India to the pinnacle of football, I think that's a great award that we would actually be happy with. Thank you so much. Hi Ajay sir, on your extreme left, here, Samir.